वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ एक लिथियम बैटरी जो कि होगी 12 वोल्ट और 12 एम्पियर की। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो BMS यूज़ किया जाएगा वो 40 एम्पियर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि इसमें 40 एम्पियर का BMS लगाया जाए। साथ ही यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस पर स्पॉट वेल्डिंग की जाएगी निकल स्ट्रिप लगा के, उसके बाद इसमें BMS वगैरह फिट किया जाएगा। इसको प्रॉपर कवर करेंगे अपॉक्सी शीट के साथ और इसके ऊपर हीट सिंक स्लिप भी चढ़ा के देंगे। कंप्लीट बैटरी बना के देंगे A to Z, जिसको प्रॉपर तरीके से बनाया गया, अच्छी क्वालिटी का 2000 mAh का एक सेल लगाया गया है। सेल की लाइफ बनी रहे इसीलिए इस पर स्पॉट वेल्डिंग की गई है। प्रॉपर तरीके से शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इस पर मल्टी लेयर इंसुलेशन लगाया गया है, जैसे हीट सिंक स्लीव, अपॉक्सी शीट और फाइबर के वॉशर जो कि सेल के ऊपर लगाए जाते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैटरी को किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम या बैटरी का कोई भी आइटम जैसे सेल, BMS, निकल स्ट्रिप, हीट सिंक, स्पेशर कोई भी आइटम लेना चाहते हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम जैसे बैटरी हो गई, मोटर, फैन, एम्पलीफायर, स्पीकर, वो हमारे mart.in से ऑर्डर कर सकते हो, जो आप साइड में देख रहा है। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बैटरी भी बनवाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको सारी डिटेल्स जो है फॉरवर्ड करा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बैटरी बनाने के लिए हमें इस टाइप के लिथियम सेल चाहिए। ये ओरिजिनल 2000 mAh का सेल है, ये आप देख रहे हो। जितना अच्छा सेल होगा बैकअप भी उतना ही अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सेल है, 44 ग्राम इसका वेट है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप के वॉशर जो कि सेल के पॉजिटिव साइड पर लगेंगे, इससे इंसुलेशन लेयर बढ़ जाएगी। उसके बाद बैटरी का फ्रेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्पेसर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो है फ्रेंड्स, स्पेसर हो गए 18650 के, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ BMS। तो फ्रेंड्स, ये BMS है, ये 3S 40 एम्पियर का है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि 40 एम्पियर का BMS यूज़ किया जाए उनकी बैटरी में। तो यहाँ पर मैंने 3S 40 एम्पियर का एक BMS ले लिया। उसके बाद कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे ये निकल स्ट्रिप है और इसका साइज 8 mm है। ये 6 mm में भी आती है लेकिन मैं 8 mm यूज़ करता हूँ, इससे अच्छा हमें पावर मिलती है। उसके बाद जो बैटरी हम बनाएंगे वो इस टाइप से बनाएंगे, इसमें 6 सेल पैरेलल होंगे और 3 सेल सीरीज रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 सेल के लिए एक फ्रेम बनाता हूँ इस टाइप का, आप देख सकते हो इसमें 6 सेल पैरेलल हो जाएंगे। इसी टाइप से इस इधर की डायरेक्शन में हम 3 सेल सीरीज करेंगे, तो ये 6x3 का बन गया। इसमें 6 सेल जो है पैरेलल होंगे और 3 सेल का सीरीज रहेगा 3x का। तो मैं यहाँ पर जितने भी सेल हैं इन्हें निकाल लेता हूँ, यानी कि इसमें 18 पीस सेल जो इसमें लगेंगे, तो मैं यहाँ पर 18 पीस गिन के और ये निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं हर एक सेल का वोल्टेज चेक करता हूँ। अगर किसी सेल का वोल्टेज इधर उधर हुआ तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ हर एक सेल का, मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ जो कि 3.84 के करीब आना चाहिए, जो कि एकदम करेक्ट आ रहा है, 8 या 9 तक जा रहा है जो कि बेस्ट है। और 4.2 तक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यानी कि सेल फुल चार्ज है अगर 4.2 आ रहा है वोल्ट। और अगर 1 वोल्ट से भी नीचे आ रहा है तो वो डिस्चार्ज है सेल, उसको रिजेक्ट ही करना ठीक रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वॉशर लगा देता हूँ टेस्टिंग करने के बाद। जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है उस पर इस टाइप के, ये फाइबर के बने होते हैं तो ये आसानी से जल नहीं पाते हैं, इसमें कई लेयर होती हैं अलग अलग चीज़। तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो बैटरी का पॉजिटिव है वो ग्राउंड के साथ टच ना कर जाए, इसलिए मैं इस टाइप के वॉशर यूज़ करता हूँ, जिससे बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी बनी रहती है, कोई दिक्कत बैटरी में नहीं आती। तो यहाँ पर ये जितने भी सेल्स हैं मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब मैं यहाँ पर सेल को एक साइड पॉजिटिव रख के पूरे 6 सेल लगा दिए। अब दूसरी साइड में नेगेटिव रखूँगा ऊपर की साइड, और यहाँ पे भी मैं 6 सेल लगा देता हूँ। फिर से मैं पॉजिटिव लगा लूँगा ऊपर की साइड और नेगेटिव कर दूँगा नीचे की साइड, जिससे कि हमारे सीरीज और पैरेलल के जो कनेक्शन हैं वो आसानी से हो पाएँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, ये सॉरी सारे सेल फंसा दिए। अब हम जो काम करेंगे कनेक्शंस के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे मैं निकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये 8 mm की निकल स्ट्रिप है, और मैं इस तरीके से मेजर करके इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल हमें 6 पीस की ज़रूरत होने वाली है, तो यहाँ पे मैं 6 पीस मेजर कर करके कट कर लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव पे छोटी लगेगी और पॉजिटिव पे थोड़ी बड़ी लगानी होती है ताकि कनेक्शन निकल आए। तो मैं उसी हिसाब से मेजर करके यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस कट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने टोटल 6 पीस कट कर लिए। पहले हम फ्रेंड्स इस पे सोल्डरिंग करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बैटरी भी हीट होती थी तो प्रॉब्लम भी आ सकती थी, इसीलिए अब जो हम इस पे स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे मैं आपको स्पॉट वेल्डिंग मशीन दिखा दूँ। ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, ये इससे स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, यहाँ से इसका टाइम सेट किया जाता है जो आप देख रहे हो यहाँ से, और यहाँ से इसका पावर सेट किया जाता है। तो मैं इसको 2 सेकंड के टाइम पे कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये इसका टाइम हो गया 2 सेकंड 3 सेकंड, और नीचे वाला इसका करंट कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए करके और इसको करंट को फुल कर देता हूँ, और अब इससे हम जो है स्पॉट स्टार्ट करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं अपनी बैटरी के ऊपर।
तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है इसको 2 पे और पावर कर दी इसकी फुल, और पावर लाइट आ चुकी है इसमें, यहाँ पे आप देख रहे हो। और मैं इसको जैसे ही पैड से इसके पैडल को दबाता हूँ तो इसमें करंट ये रिलीज करती है, स्पॉट वेल्डिंग जो है थोड़ा सा करंट निकालती है 2 सेकंड के लिए, जिससे हमारी जो है ये निकली स्ट्रिप है ये बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं रख के इसको जल्दी से कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंधेरा कर देता हूँ, लाइट कम कर देता हूँ ताकि आपको स्पॉट हेती हुई प्रॉपर दिखे, क्योंकि यहाँ पर लाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको नहीं दिख रही होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 जगह इसको स्पॉट लगा दिया, प्रॉपर तरीके से स्पॉट लग गए, अच्छी तरीके से मैंने खींच के भी दिखा दी, ये नहीं खुली। अब जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं स्पॉट कर लेता हूँ, थोड़ी सी लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रही होगी, इससे स्पार्क निकलता है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा होगा थोड़ा सा। इस टाइप से जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए यानी कि नेगेटिव नेगेटिव मैंने एक साइड जोड़ दिए। अब मैं पॉजिटिव पे स्पॉट करता हूँ, सेम इसी प्रोसेस में हमें पॉजिटिव पे भी कर लेनी है, जितने भी पॉइंट्स दिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव पे जो स्पॉट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम नेगेटिव साइड करेंगे। इसी साइड टाइप से हमें पूरी बैटरी पर स्पॉट करनी है, जितने भी पहले पॉइंट्स हैं हमें पैरेलल कनेक्शन। अब उसके बाद मैं नेगेटिव पे करूँगा यहाँ पे स्पॉट, और मैं जैसे इसको पैड से दबाता हूँ, मशीन का एक पैडल होता है यानी कि एक कंट्रोल पैडल, जैसे उसको मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे ये करंट रिलीज करता है, और मैं दोनों प्रोब्स को पकड़ के मशीन की को यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब ठीक इसी टाइप से मैं दूसरी साइड भी लगा देता हूँ। जल्दी से मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर एक साइड लग चुकी है यानी कि अब बैटरी का एक पूरा सीरीज़ जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप इससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल लेना चाहो बैटरी से रिलेटेड भी, या आप खुद से बनाना चाहो तो ये पूरा हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, जो साइड में आपको शो हो रही है। या तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से इस पर स्पॉट वेल्डिंग हो चुकी है दोनों साइड से। अब ये फ्रेंड्स 3 वोल्ट बन के आ चुका है यहाँ पर, 3 3 3, लेकिन इसका जो एम्पियर है वो 12 एम्पियर हो चुका है, यानी कि हर एक स्ट्रिंग आप चेक करोगे तो जैसे ये 3 वोल्ट और 12 एम्पियर, 3 वोल्ट 12 एम्पियर, 3 वोल्ट 12 एम्पियर हो चुका है। अब इसको हमें सीरीज़ करना है, इससे क्या होगा कि अब इसके वोल्टेज जुड़ जाएंगे जो 3 3 वोल्ट हैं यानी 3.7 + 3.7 + 3.7, टोटल हमें 12 वोल्ट मिल जाएंगे। तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ, मेजर करके निकली स्ट्रिप कट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको हमें दोनों साइड लगाना है और प्रॉपर तरीके से लगाना है, क्योंकि जो अब बैटरी का लोड है इन्हीं बैटरी से एक बैटरी तक ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर मैं जो है 4 जगह इस पर स्पॉट वेल्डिंग करूँगा, यानी कि बीच में इसको 4 जगह जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इसको, ये एक जगह जोड़ दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे दूसरी जगह जोड़ दिया, इससे जो बैटरी में जो करंट है वो एक बैटरी से दूसरी बैटरी की साइड ट्रांसफ़र होगा, तभी तो फ्रेंड्स हमारा जो बोल्ट है वो 12 बन के आएगा। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बैटरी बनाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने लगा दिया। सेम अब मैं इसी टाइप से देखो, मैंने अब इधर साइड जोड़ लिया इन दोनों बैटरी को, अब हम इन दोनों बैटरी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों बैटरी को जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, मैंने बैटरी को पलट लिया है तो पलट के मैं इस साइड कर देता हूँ इस पर स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे भी मैं 4 जगह लगाऊंगा, जो कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अगर आप एक जगह लगा दोगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बैटरी का जो लोड है एक ही निकले स्ट्रिप पे आएगा तो हीटिंग की प्रॉब्लम बन सकती है, उसी को ख़त्म करने के लिए यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इस पर लोड ना आए कोई ज़्यादा एक पे, तो मैंने 4 जगह लगा दिया। अब यहाँ पे आप 4 पॉइंट्स देख रहे हो, अब ये पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ किस किस के हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि BMS पे लिखा होता है जैसे 0 वोल्ट, 3.7, 7.4 और 12, ये ठीक उसी प्रकार से हैं। जैसे ये माइनस जो निकला हुआ है, ये जो पॉजिटिव हो गया और इसके बाद यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव जो 12 वोल्ट होता है हमारा, ठीक है, इसको हम 12 वोल्ट लेंगे, इसका जो नेगेटिव है इसको 3.7 बोलेंगे। अब ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एक हो रहे हैं तो ये दोनों 3.7 हो गए। अब उसके बाद ये 3.7 में एक और सेल जुड़ जाएगा तो ये 7.4 और लास्ट में हमें 12 वोल्ट जो है मिल जाएगा, यानी 7.4 या 8.4 इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो BMS है अच्छी तरीके से ये फिट हो पाएगा, ये प्रॉपर इसमें इसी टाइप से लग जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और BMS में भी यहाँ पे पैड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं निकले स्ट्रिप को रखूँगा और शोल्डिंग इस पर कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि बैटरी पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं पहुँची, मैं डबल साइड टेप से इस BMS को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और अब यहाँ पे मैं शोल्डिंग करूँगा, ठीक है। और जब भी आप शोल्डिंग करो तो ध्यान रखो कि 0 वोल्ट और 12 वोल्ट को थोड़ा सा हैवीली शोल्डिंग करना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी बैटरी का लोड आएगा 0 वोल्ट और 12 वोल्ट, बाकी 4 वोल्ट और 8 वोल्ट जो है खाली वोल्टेज टेस्टिंग के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे ये 4 वोल्ट हो गया,
तो यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया था, तो मैंने इसमें वायर कनेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया। वैसे इस पर कोई लोड नहीं होगा, ये सिर्फ वोल्टेज सेंसिंग के लिए होता है कि कौन से सेल में कितना वोल्ट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया हूँ। BMS आप देख सकते हो कितनी हैवीली यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे जो आप प्लस माइनस लिखा देख रहे हो, यही इसके इनपुट और आउटपुट हैं। यहीं पे आपको वोल्टेज देने हैं और यहीं से वोल्टेज लेने हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये इस पर वोल्टेज आ रहे हैं जो 11 वोल्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा मल्टीमीटर साइड में रखा है तो आपको प्रॉपर नहीं दिख पाया होगा। अब यहाँ पे मैं दो वायर लगा लेता हूँ, रेड और ब्लैक, जो कि इसके इनपुट और आउटपुट के। यहाँ पे मैं प्रॉपर सोल्डिंग करूँगा इस पर। ये रेड मैंने वायर यहाँ पे लगा दिया है, दूसरी साइड में ब्लैक वायर लगा देता हूँ। और अब इसके ऊपर मैं अपॉक्सी शीट लगाऊंगा। पहले मैं कार्डबोर्ड लगा देता था, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कार्डबोर्ड की जगह अपॉक्सी शीट यूज़ कीजिए, तो मैं अपॉक्सी शीट अब लगाने लगाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मेजर करके वायर को कट कर दिया और इस पर ये हीट सिंक चढ़ा देता हूँ। अब इसके बाद मैंने अपॉक्सी शीट के 6 फीट कट किए हैं इसको चारों साइड से, यानी कि 6 साइड, चारों इसकी साइड और ऊपर नीचे, यानी कि टोटल हमें यहाँ पर 6 पीस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपॉक्सी टेप, इस थ्रेड टेप की मदद से अपॉक्सी शीट को चिपका देता हूँ यहाँ पर। तो ये अपॉक्सी शीट यहाँ पर लग जाएगी। इसकी जो जितनी भी साइड है, सब साइड पर मैं अपॉक्सी शीट लगा देता हूँ। आप देख सकते हो कि अपॉक्सी शीट लग चुकी है, अपनी बैटरी जो फुली कवर हो चुकी है। आगे की साइड इसमें BMS है, वो भी मैंने इसको फुली अपॉक्सी शीट से प्रोटेक्शन दे दिया है यहाँ पे। और अब इसकी जो बैक साइड है, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ अपॉक्सी शीट से ही। और अब इसके ऊपर हम चढ़ेंगे हीट सिंक। अपॉक्सी शीट लगने के बाद अब मैं इस पर हीट सिंक चढ़ा देता हूँ। ये येलो कलर की हीट सिंक है और मैं इसको चारों साइड से लगाऊंगा पहले, और फिर इसके बाद फाइनल चढ़ा देता हूँ। तो इससे क्या है कि मल्टी लेयर प्रोटेक्शन बैटरी को मिल जाता है। ये ऐसे इसकी साइड कवर हो गई। और अब इसके ऊपर मैं एक और हीट सिंक चढ़ा के और इसको हॉट एयर गन से गर्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हॉट एयर गन से गर्म हो चुकी है चारों साइड से। ये आप देख सकते हो हॉट एयर गन से प्रॉपर तरीके से मैं इसको चारों तरफ से गर्म करके इसको सेट कर रहा हूँ। तो ये फुली टाइट हो जाएगी और अपनी जो बैटरी एकदम प्रॉपर तरीके से बन के कम्प्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये मैंने इस पर अपॉक्सी शीट लगाने के बाद, हीट सिंक चढ़ाने के बाद, ये बैटरी को कम्प्लीट कर दिया है। ये जो हमारी बैटरी है बन के एकदम कम्प्लीट हो चुकी है। आप देखो अभी थोड़ा बहुत कहीं से रह गया है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा पीस है इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे नाइफ की मदद से। ये आप देख सकते हो। अब मैं इसकी आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज आ रहे हैं 11.74, जो कि फुल चार्ज होने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी बनके कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।